तिल्ली पैंक्रियाज सब प्रभावित हो रहे हैं, सब स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे वापस ये क्रिया बाएं पैर से करनी है, दाया पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाया हाथ साइड में रहेगा, दाएं हाथ को घुटने के बाहर से लाते हुए पकड़ेंगे दूसरे पैर का घुटना या उसी पैर का पंजा, थोड़ी को ले जाएंगे कंधे की तरफ, बाएं कंधे की तरफ, पूरा ट्विस्ट कर देंगे बॉडी को। बहुत अच्छे, वापस दोनों पैर वापस, और लेट जाएंगे पेट के बल, लेट जाएंगे पेट के बल, भुजंगासन की स्थिति में आना है, पेट के बल ले जाइए, हथेली पर, बाई हथेली पर, दाई हथेली, और पे माथा रख लें। करना है भुजंगासन, लेट जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए कुछ पलों का, कुछ पलों के लिए विश्राम, हथेली पर हथेली, माथा हथेली पर, रिलैक्स होंगे आप पूरा। और अब करना है आपको भुजंगासन, भुजंगासन के लिए आप सभी जानते हैं एड़ी पंजे मिला लीजिए, पैर को पीछे की तरफ खींच दीजिए, घुटने एड़ी पंजा मिला रहे, दोनों हथेलियां आपकी कनपटी के दाएं बाएं, हथेलियां कनपटी के दाएं बाएं, भुजंगासन की स्थिति में आना है। धीरे धीरे ठोड़ी को आसन से लगाते हुए गर्दन को उठाना है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन उठ जाए तो सीने को भी उठाना है थोड़ा सा, कोहनियां 6 इंच लगभग उठ जाए आसन से, केवल 6 इंच हाथ लगे रहेंगे, कोहनियां केवल 6 इंच उठेंगी, गर्दन ऊपर को रहेगी, निगाह आसमान की तरफ, धीरे धीरे वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए, वापस आ जाएंगे, माथा लग जाएगा आसन से, पुनः ठोड़ी को रगड़ते हुए उठेंगे ऊपर को, गर्दन को उठाते जाएंगे, इस बार पूरी गर्दन उठनी है, पूरा सीना भी उठना है, नाभिक के ऊपर कैसा उठ जाए और कोहनियां सीधी हो जाएं, सीने पर पूरा खिंचाव, कमर पर पूरा दबाव महसूस करें, निगाह आसमान की तरफ। बहुत ही लाभकारी है ये फेफड़े की बीमारियों के लिए और रीढ़ की हड्डी के लिए, भुजंगासन सर्प जैसा बन गए हम। धीरे धीरे वापस आएंगे, हथेली पे हथेली, जो अभी तक थकावट हुई है उसको दूर कर लें, आराम कर लें, और चला लीजिए तेजी से, पैडलिंग चला, पैडलिंग, स्पीड है, स्पीड, क्या बात, वापस आ जाए आराम की मुद्रा में, हथेली पर हथेली, और धीरे से बाई कमर पलटते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, पीठ के बल आ जाएंगे, और अगला चक्र पीठ के बल आसन का, पीठ के बल आ जाए, करना 3 बार आगे पीछे कर लें और 3 बार साइड से भी कर लें, जहां भी दर्द बचा है शरीर में वो सब धीरे धीरे बाहर हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारा संयोजक मंडल ने संयोजन किया, और बहुत बधाई के पात्र हमारे शिक्षक जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी। वापस पैरों को फैला देंगे, पैरों को फैला देंगे, अब करेंगे शवासन, विश्राम करेंगे, पूर्ण विश्राम देंगे शरीर को, जो ऊर्जा अभी तक हमने प्राप्त की है विविध आसनों से, शवासन मृत्यु पर अभय का आसन, योग निद्रा भी कहते हैं, विश्राम करके उसको हम संचय कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हथेलियां जंघाओं से लगभग 6 इंच साइड से, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आधी खुली हुई आंखें कोमलता से बंद, गर्दन को दाएं बाएं लुढ़का दें, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें मन से। जिन लोगों को नींद की दवाई खानी पड़ती है, अगर इस शवासन का, जिसको हम योग निद्रा भी कहते हैं, इसका अभ्यास कर लें तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कभी हमें थकावट होती है अपने कार्य में, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं चाहे घर में काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे भी इसका अभ्यास किया सकता है। शरीर पर नियंत्रण करना है मन से, निरीक्षण करेंगे सब शरीर हमारा, शवासन का मतलब मुर्दा, कोई हरकत नहीं, आत्मा साक्षी भाव से बाहर से इसका अवलोकन कर रही है, पैर के अंगूठे से सिर तक का अवलोकन, मानसिक अवलोकन, उठ के नहीं देखना है, और सिर से पैर तक 3 बार अपना मानसिक अवलोकन कर लें। शवासन कर रहे हैं आप इस प्रातःकालीन बेला में, इस प्रांगण में ठंडी ठंडी हवा आपको मिल रही है, सूर्य भगवान आपको ऊर्जा भी दे रहे हैं,
बाह्य चेतना में आएंगे, अंगड़ाई लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने बहुत ही बड़े शिक्षक भाई पीडी राही जी से कि वो आगे कपालभाति और प्राणायाम के सत्र के लिए आए। माननीय पीडी राही जी बैठ जाएंगे आप। सुखासन, आंखें बंद, क्योंकि मन ये बहुत चंचल होता है, इसलिए आंखों को बंद कराया जाता है। बाहरी चीजों को देखता है तो भटकता है, इसलिए बिल्कुल एकाग्र चित्त से ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में बैठते हुए आप इसको करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सारे लोग कर रहे हैं ठीक से, बढ़िया है। और इसके बाद करेंगे उज्जाई। उज्जाई प्रेम ताक थोड़ा सा पहले टुकड़ों में करते हैं, आदत नहीं है ना, इसलिए करते कैसे, तीन बार करके हाथ ऊपर करके रगड़ेंगे। ऊपर हाथ करिए, आंखें बंद रखेंगे, और जब खूब गर्म हो जाए हथेली आपको तो चेहरे फिराइए, धीरे धीरे उसको घुमाइए। बहुत अच्छा है। और अब हम लोग ध्यान करेंगे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं जो ध्यान करेंगे। हम लोग हमारे बड़े भाई जिला विद्यालय निरीक्षक हमारे बेसिक शिक्षा के लेखाधिकारी प्रदीप कुमार यादव जी, और इस विद्यालय के चेयरमैन अपीर सिंह जी, व हमारे उपस्थित साथीगण, बस अभी आए हुए इस योग साधना में साथ देने वाले। वास्तव में योग का आदि काल से चला आ रहा है, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ धन्यवाद। अब शांत खास एक आप में डिश बनवाई गई है, हर साधक वो डिश को बहुत शालीनता के साथ ग्रहण करेगा। काउंटर पर हौच पहुंच न हो, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ग्राउंड में 10 मिनट के लिए आपने इतना सहयोग दिया है तो 10 मिनट का सहयोग और देने की कृपा करें। डॉक्टर साहब, इसी श्रृंखला में मेरा अनुरोध है भाई केपी सिंह जी से, वो पहुंचे और हमारे लेखाधिकारी श्री प्रदीप यादव जी मंच पर मौजूद हैं, उनको प्रतिज्ञा भेंट करें। भाई केपी सिंह जी, योग से संबंधित बहुत सारा साहित्य सामग्री बाहर उपलब्ध, सब योग शिक्षक ऊपर आ जाएं, समस्त योग शिक्षक और प्रदर्शक आ जाएं। शशि भूषण सिंह जी, डॉक्टर रामया सिंह जी, डॉक्टर यूपी तिवारी जी और श्रीमती उषा यादव, सभी को प्रतिज्ञा बहुत शीघ्रता के साथ प्रतिनिधि के रूप में लेंगे और प्रतिनिधि के पास पहुंचाएंगे। बहुत बड़ा सहयोग है पूरे प्राथमिक शिक्षक संघ का। और श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी, इधर देखिए चलिए। श्री शशि भूषण यादव जी, डॉक्टर रामेश सिंह यादव जी, डॉक्टर यूके तिवारी जी, श्रीमती उषा यादव और डॉक्टर बीपी मिश्रा जो हमारे बीच पधारे हुए हैं बाहर से, डॉक्टर बीपी मिश्रा जी को प्रदान करें। डॉक्टर बीपी मिश्रा जी को, हाँ जी इधर देखिए। और आप शिक्षकों ने अथक परिश्रम करके 30 केंद्रों में संचालन किया। श्री ललित सक्सेना जी को इधर देखो, इधर हेलो बैठ जाए, आप लोग जो मिल गए वो बैठ जाए। शिक्षकों को करके हम बुला रहे हैं, अनुरोध करेंगे अपने मंचा की सदस्यों से हमारे शिक्षकों को भी प्रदान करें। डॉक्टर बीपी मिश्रा को मिल गया, डॉक्टर बीपी मिश्रा को जी को जाए। डॉक्टर बीपी मिश्रा, डॉक्टर बीपी मिश्रा जी को जाए। चलिए इसको घुमा के पकड़ो ऐसे। अब शिक्षकों का क्रम आ रहा है, शिक्षकों पर आ गए हमारे। सबसे पहले पहुंचे मनोज कुमार, हमेशा सात्विक रखना है, इसी में हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। और अंत में एक मिनट के शांति पाठ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्।